एपीएल परिवारों को झटका, 3 रुपए महंगी मिलेगी चीनी। जी हां, एपीएल राशन कार्ड धारकों को चीनी की खरीद के लिए अधिक पैसे खर्च करने पड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ बाजार में भी चीनी के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। सूबे के एपीएल राशन कार्ड धारकों को झटका लगा है। डिपुओं के माध्यम से दी जाने वाली चीनी के दाम 3 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। पहले जहां इस श्रेणी के उपभोक्ताओं को 30 रुपए किलो के हिसाब से चीनी मिलती थी, अब प्रति किलोग्राम चीनी के दाम 33 रुपए निर्धारित किए गए हैं। इससे प्रदेश के करीब 12 लाख राशन कार्ड उपभोक्ताओं को चीनी के नए दाम चुकाने होंगे। हालांकि इस माह अभी तक चीनी का कोटा डिपुओं में पहुंचा नहीं है। बता दें कि नए दाम तय होने के बाद अब उच्च स्तर से चीनी की सप्लाई शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि इसी माह के चौथे सप्ताह तक प्रदेश के समस्त राशन डिपुओं में चीनी की आपूर्ति हो जाएगी और उपभोक्ताओं को वितरण भी कर दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश में राशन कार्ड धारकों की संख्या करीब 20 लाख है। प्रदेश सरकार इन उपभोक्ताओं को 5,222 उचित मूल्य की दुकानों के जरिए सस्ता राशन मुहैया करा रही है। बता दें कि नियमित अवधि के बाद डिपो में मिलने वाले राशन के दरों में बढ़ोतरी और कटौती होती रहती है। प्रदेश में एपीएल कार्ड धारकों की संख्या करीब 12 लाख है।